वाली वीडियो लेकर। जी हाँ गाइज, ये एक कमेंट वाली वीडियो है, तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आप लोगों के कमेंट्स के साथ। एंड आज की अपडेट भी मैंने इसी वीडियो में शामिल कर दी है, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखना। जूनी ने कमेंट किया, थैंक्स मैम अपडेट देने के लिए, तो वेलकम जूनी। एंड आई एम सॉरी जूनी की दो दिन की वीडियो से मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ, क्योंकि मैं मोहम्मद फैजल, फैजल बादी एंड आसिफ खान में कन्फ्यूज हो जाती हूँ हमेशा, बट अब मैं ध्यान रखूंगी। साफिया ने कमेंट किया है, वी वॉन्ट सहक। सहक लवर्स गर्ल ने कमेंट किया है, आई मिस सहक, प्लीज वापस आ जाओ, आई रियली मिस यू सहक। सोनिशा ने कमेंट किया है, वी मिस सहक। अर्शिया ने कमेंट किया है, आई एम सो सैड बिकॉज आप मेरे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या मैं इतना खराब कमेंट्स करती हूँ। तो आई एम सॉरी अर्शिया, बट मैं कोशिश करती हूँ सभी के कमेंट्स को शामिल करने की, बट आप लोगों को पता होगा मैं एक दिन में तीन वीडियो अपलोड करती हूँ, तो तीनों वीडियो कमेंट्स मिलाकर लगभग 200 कमेंट्स हो जाते हैं, तो गाइस इतने कमेंट्स को शामिल करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। फिर एक प्रॉब्लम और यहाँ पर आती है कि जो कमेंट्स इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं, मैं उनको जाकर वहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में देख लेती हूँ एंड उनका रिप्लाई कर देती हूँ, तो वो कमेंट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। माई लव रिंगटोन ड्रीम गर्ल ने कमेंट किया है, आई होप सोहक एंड सुरभि जल्दी ही साथ आ जाएंगे, साथ वाला वीडियो अपने अगले व्लॉग में पोस्ट करें, वी मिस सोहक। द एडुकेशनल चैनल ने कमेंट किया है, प्लीज सोहक कम बैक। विभा सिंह ने कमेंट किया है, थैंक्स मेरा कमेंट ऐड करने के लिए, वेलकम विभा। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया है, हम सब जरूरत से ज्यादा ही सीरियस हो रहे हैं, मस्त रहो यार अपनी लाइफ में, उन लोगों को आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना चाहते होंगे तो नहीं आएंगे, हमारी लाइफ में थोड़ी ना प्रॉब्लम चल रही है, खाओ पियो मस्त रहो। तो जिंटू पटवारी में आपकी इतनी बात से तो सहमत हूँ कि हमें ज्यादा सीरियस नहीं होना है गाइज, आप लोग मैंने देखा है कमेंट में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो गाइज यहाँ पर इतना सीरियस होने की बात नहीं है, मैं सिर्फ सोहक की डेली अपडेट्स यहाँ पर देती हूँ। हाँ हमें बुरा लगता है कि सोहक नहीं मिल रहे हैं, बट आप लोग अपनी लाइफ में भी ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड अपने स्कूल पर एंड अपनी लाइफ में भी ध्यान दो। पॉम्पी बरमुडाई ने कमेंट किया है, मिस यू सोहक। श्रुति ने कमेंट किया है, दी सुरुदी की हालत खराब है और उससे कहीं ज्यादा खराब हालत मोहक की है। श्रुति ने सेकंड कमेंट किया है, थैंक यू आज की कमेंट वीडियो देने के लिए, लव यू सो मच मेरी प्यारी थी। दिगंबर कामले ने कमेंट किया है, हाय मैं गलती से मैं डाल दिया था, तो आप मेरे लिए मोहक को बोल दो। पॉम्पी बरमुडाई ने कमेंट किया, मिस यू सोहक। प्रिया यादव ने कमेंट किया है, थैंक यू फॉर गिविंग अस अपडेट। चंद्रिका पुरोहित ने कमेंट किया है, थैंक यू दी फॉर एडिंग माई कमेंट, वेलकम चंद्रिका। नूर ने कमेंट किया है, थैंक यू दी आप मेरी अच्छी दी हो, बहुत अच्छी तरह से सोहक की अपडेट देते हो एंड आपका वॉइस भी बहुत प्यारा है, बस हमारी सोहक वापस आ जाए, तो इंशाल्लाह नूर हम सब दुआ कर रहे हैं कि हमारा सोहक जल्दी ही वापस आ जाए, थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। मेहर ने कमेंट किया है, सोहक जरूर आएगा, आज नहीं तो कल सोहक जरूर आएगा, थैंक यू सो मच फॉर डेली अपडेट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गुजरात। निशा प्रजापति ने कमेंट किया, वी मिस सोहक, अब लगता है कि सोहक बैक होगा। नजरीना ने इमोजी शेयर किए हैं। कविता वंजी ने कमेंट किया, लव यू दी आप बहुत अच्छी हो, सोहक की सही अपडेट देती हो और बाकी लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, मुझे आपकी बात सच लगती है, लव यू दी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कविता इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, एंड सेकंडली आप लोगों से मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहती हूँ कि गाइस मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही, बस गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रही थी कि आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन ना सुने। साजिदा शेख ने कमेंट किया है, प्लीज मेरा कमेंट भी पढ़े, योर वॉइस आर नाइस, थैंक यू फॉर डेली अपडेट्स, तो थैंक यू सो मच साजिदा एंड आपका मैंने कमेंट्स को शामिल कर लिया है। एनी कश्यप ने कमेंट किया है, मोहक आदित्य रॉय कपूर से जब मिले थे तब से मोहक और सुरभि दोनों ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं मिलेंगे और ये सरप्राइज बहुत जल्द आने वाला है। तो गाइस अगर ऐसा होगा कि ये सरप्राइज है हमारे लिए एंड कुछ प्रोजेक्ट है, तो ये हम सभी सोहक फैन के लिए बहुत ही बड़ी गुड इन्फॉर्मेशन होगी। एंड गाइस ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से साथ में नहीं मिल सकते, मैंने तो कहीं ऐसा नहीं देखा कि किसी प्रोजेक्ट या किसी काम की वजह से एक दूसरे से मिलना मना होता है। गुंजन मुंजल ने कमेंट किया, व्हेन विल यू मेक योर Q&A वीडियो। तो हाँ गाइस जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं Q&A वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा हाइप चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि सुरभि, सलोनी एंड पीहू साथ में थी एंड बहुत ही ज्यादा स्टोरीज डाल रही थी, तो अपडेट ज्यादा निकल कर आ रही थी, तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अब मैं कोशिश करूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा Q&A वीडियो में बनाऊंगी। नूर फातिमा ने कमेंट किया, सब झूठ है, इनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। गीतिका त्रिवेदी ने कमेंट किया है, दी मेरा कीबोर्ड खराब है, आपको इसलिए समझ नहीं आते मेरे कमेंट, लेकिन मैंने ये पूछा है कि सुरभि दी के स्नैपचैट में जहाँ वो स्टोरी लगाती हैं, तो उनकी स्टोरी में जाकर कमेंट कहाँ से करें, प्लीज दी बताना जरूर, अब मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो थैंक यू सो मच गीतिका कि आपने इतनी मेहनत करके हिंदी में कमेंट किया है। स्नैपचैट में भी सेम ही सिस्टम होता है, जैसे कि हम इंस्टाग्राम में किसी की स्टोरी पर रिप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही स्नैपचैट में रिप्लाई का नीचे बार दिया होता है, इसमें कि आप कुछ क्वेश्चन या कुछ कमेंट्स लिखकर उनको पोस्ट कर सकते हैं। एंड इसे और ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकती हैं। श्रुति ने कमेंट किया, थैंक यू इतनी रात में अपडेट वीडियो देने के लिए, दी मैं कुछ
नहीं जानती कि हिंट क्या है, पर इतना जानती हूँ कि सुरु और मोहू वापस आने का हिंट है और कुछ नहीं जानती। नजरीना ने कमेंट किया, दिया आपने देखा कि स्नैपचैट पर क्रिस्टल अकाउंट पर पहले सुरु और स्काई का फोटो लगा था, अब मोहू को सुरभि का फोटो दिख रहा है। तो आई थिंक नजरीना आपने कोई गलत अकाउंट देख लिया है, अभी भी सुरभि एंड स्काई का ही फोटो वहाँ पर लगा हुआ है डीपी पर। मेहर ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच जी, आप रात को भी अपडेट देते हो, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मेहर। आशा दे ने कमेंट किया, थैंक यू दी, आई लव यू दी, क्यूट क्यूटेस्ट दी, आई लव यू सो, थैंक यू सो मच आशा। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया, एक बात मानना पड़ेगी थी, आप बहुत कम टाइम में अच्छी एडिटिंग कर लेते हो। तो हाँ गाइज, अब मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ। आप लोगों को नहीं पता होगा, लगभग 2 साल होने आए हैं, 1.5 ईयर से मैं मोहा के सुरभि की वीडियोस बना रही हूँ, बट आपको मेरे चैनल पर वीडियोस नहीं दिखेंगी, उसका एक रीजन है। मैंने लास्ट ईयर 2 बार मोनेटाइजेशन के लिए अपना चैनल भेजा था, बट दोनों ही बार रिजेक्ट हो गया था, बट इस बार मैं एक बार और भेजने वाली हूँ अपने चैनल को, इसीलिए पुरानी वीडियोस मुझे डिलीट करनी पड़ी। एंड ये इंस्पिरेशन मुझे सुरभि से मिली है, सुरभि के तीनों व्लॉग जब ट्रेंडिंग पर थे तो मैंने सोचा मेरा भी चैनल मोनेटाइज करवा लूं। एंड गाइस आप लोग प्रे करना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। एंड चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजने का एक और रीजन ये है कि मुझे एक नया फोन लेना है, बिकॉज ये मेरा फोन 2 साल पुराना हो चुका है, पुराना होने की वजह से ये फोन मेरा हैंग होने लगा है। एंड जब भी मैं वीडियो एक्सपोर्ट करती हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी तो आधा घंटा एक घंटा लग जाता है। एंड गाइस वीडियो होती लेट हो जाती है क्योंकि इस वाले फोन की मेमोरी बहुत कम है, इसलिए बार बार हैंग होता है। तो मुझे नया फोन लेना है ताकि मैं फटाफट वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट दे सकूं, इसीलिए मैं मोनेटाइज करवाना चाहती हूं, क्योंकि मम्मी ने फोन दिलाने से बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि 2 साल ही हुए हैं इस फोन को, इसीलिए मैं चाहती हूं कि YouTube मनी से अब मैं मेरा खुद का नया फोन खरीदूं। तो गाइज आप लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रे करना कि मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल। प्रिया यादव ने कमेंट किया, लगता है अब हमारा सोहक जल्दी मिलने वाला है, थैंक यू दी अपडेट देने के लिए। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया, अब इनकी शॉपिंग का व्लॉग आएगा, बस अब ये दोनों मिल जाएंगे, हमें और कोई व्लॉग नहीं चाहिए, हम लोग बहुत परेशान और दुखी हो चुके हैं। हाँ गाइज मुझे भी लग रहा है कि इनका शॉपिंग का व्लॉग आएगा, एक सलोनी के चैनल पर आएगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, एंड एक व्लॉग सुरभि के चैनल पर आएगा शॉपिंग वाला एंड मेकओवर वाला। एंड गाइज क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस किया है कि कुणाल नितेश एंड लक्की ने सभी ने थिएटर की स्टोरी डाली है जिसमें कि वो ब्रह्मास्त्र मूवी देख रहे हैं, खुशी ने भी डाली है, खुशी भी इनके साथ ब्रह्मास्त्र मूवी देखने गई थी, बट यहाँ पर मोहक ने कोई स्टोरी नहीं डाली है। एंड गाइज आज मोहक ने लकी जोशी के साथ में स्टोरी डाली है, आपको पता होगा कि लकी जोशी काफी टाइम से इनके घर नहीं जा रहे थे। एंड यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि सुरभि ने लकी को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर रखा है। एंड आज अभी जो थोड़ी देर पहले सुरभि ने स्नैपचैट पर स्नैप डाली है उसमें आप देख सकते हैं कि कोई कुणाल नाम का बंदा उनकी वीडियो शूट कर रहा था। तो क्या लगता है आपको लकी जोशी से भी सुरभि की लड़ाई हुई है? नूर ने कमेंट किया, दी इस वीडियो में आपका वॉइस को बहुत मिस किया, प्लीज आप अपने वॉइस में ही वीडियो बनाओ और मैं अल्लाह से पास बस यही दुआ करती हूँ कि सोहक आ जाए। कविता मंजी ने कमेंट किया, लव यू दी, सुरभि व्लॉग में क्या बोल रही है दी बताओ। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी को भी वो हिंट नहीं मिला है, अब तो सुरभि ही बताएंगे हमें कि क्या हिंट था। विभा सिंह ने कमेंट किया, एग्जैक्टली पीहू ने खुद के लिए ही बोला है क्योंकि सुरभि ने बोला दिल ऐसे मिलेंगे। अनम ने कमेंट किया, थैंक यू अपडेट देने के लिए, वी मिस सोहक प्लीज कम बैक सोहक। सोनी शाह ने कमेंट किया, वी मिस सोहक प्लीज कम बैक सोहक टुगेदर। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया, एंड मुझे लगता है ये दोनों सलोनी के पास जाएंगी क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है और सलोनी ने अपनी एक स्टोरी में डाला था कि आ जाओ जल्दी वीडियो कॉल पर, तो शायद उसी की शॉपिंग हो। तो गाइज यहाँ पर मैंने सलोनी की अभी एक स्टोरी देखी थी जिसमें कि शायद वो वापस आ रही है। माय लव रिंगटोन ड्रीम गर्ल ने कमेंट किया है, सुरभि का वीडियो देखकर लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है, पीहू ने भी बोल दिया। थंडर ने कमेंट किया, वो रिंग जो सुरभि ने पहनी है वो मोहक की दी हुई रिंग नहीं है, उन्होंने खुद खरीदी है। तो हाँ गाइस रिंग को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसी के लिए मैंने वो वीडियो सुरभि की डाल दी थी, आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि सारा मैंने क्लियर कर दिया था। अगर वो रिंग सुरभि को मोहक ने नहीं दी थी तो फिर सुरभि खुद क्यों कहती कि ये रिंग मुझे मोहक ने दी थी। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, यही लग रहा है। मुकेश शाह ने कमेंट किया, थिंक माय लव रिंगटोन ड्रीम गर्ल ने कमेंट किया है, मैंने नोटिस किया कि वही बिल्डिंग है एंड सुरभि इस टाइम सैड एंड रोमांटिक दोनों वीडियो बना रही है। मैंने ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर डेली अपडेट्स, अल्लाह करे कि हमें हमारा सोहक मिल जाए और वो हमेशा खुश रहे। श्रुति ने कमेंट किया है, थैंक्स दी आज के अपडेट वीडियो देने के लिए, और हाँ वो वापस जरूर आएंगे, हम सबको इतनी सारी हिंट दे दिए हैं दोनों वापस आने की, और भी जरा सोचिए कि मोहक से दूर होती तो उनकी दी हुई रिंग क्यों पहनती है, वो ब्लैक वाली वॉच क्यों पहनती, उतार देती ना। मोहक से आज भी बहुत प्यार करती है, वो भी उससे बहुत प्यार करते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतने ही कमेंट हैं, जिन जिन के कमेंट्स को मैं शामिल नहीं कर पाई हूँ उनको सॉरी, अगली वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश करूंगी। एंड गाइस यहाँ पर लास्ट में मैं कुछ स्नैपचैट स्टोरीज शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि सुरभि ने